हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे दोस्तों, 10 फिट बाय 20 फिट का। आज का हमारा टाइनी हाउस प्लान है, विलेज हाउस प्लान है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि फ्रंट साइड से ओनली आपकी जो है ओपनिंग है, बाकी अदर तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज हैं। इसकी वजह से हमें जो है फ्रंट साइड में ही एक ऑप्शन बचता है, जिससे हम जिसके लिए हम ओपनिंग जो है खाली फ्रंट साइड में छोड़ सकते हैं। बाकी अदर तीनों साइड आप देखेंगे कि बिल्डिंग जो है वो बंद रहेगी, ब्रिकवर्क रहेगा। सो 10 फिट बाय 20 फिट का ये हमारा प्लॉट है। सबसे पहले आपको डायमेंशन दिखा दें हम। ये 20 फिट इसकी लेंथ रहेगी। ये देखेंगे प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 10 फिट रहेगी। सो 10 बाय 20 फिट का हमारा फ्रंट साइड ओपन ओनली एक प्लॉट है, जिसके अंदर हमने आपको 3 फ्लोर्स दिए हैं, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसके अंदर आप देखेंगे हमने आपको ड्राइंग रूम दिया है, टॉयलेट दिया है, फिर आपको किचन डाइनिंग लिविंग एरिया दिया है, अटैच टॉयलेट दिया है, फिर आपको बेडरूम दिया है, साथ में ड्रेसिंग एंड टॉयलेट दिया है। तो छोटे से प्लॉट में हमने काफ़ी कुछ आपको देने की कोशिश की है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और इसी तरीके से हम आपको प्लान जो है वो दिखाते रहें। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर। एलिवेशन की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे आपका एक दरवाजा रहेगा जो मेन एंट्रेंस आपके घर की, साथ में आप देखेंगे आपको विंडो मिल रही है। 4 फीट हमने इसका सिल लेवल रखा है, सो दैट जो सड़क से कोई चलता हुआ आपके घर के अंदर का जो व्यू ना ले पाए। सो उसके लिए आप जो खिड़की है फ्रंट साइड वाले इसको ऊंची रखेंगे। लिंटर लेवल देखेंगे हमने सबका 8 फीट रखा है। कॉर्नर पे आप देखेंगे चारों तरफ आप कॉलम देंगे 9 इंची बाय 9 इंची के, बाकी उसके अलावा 4.5 इंची के आपकी ब्रिकवर्क चलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि तीनों साइड हमने आप ब्रिकवर्क रखा है, और फ्रंट साइड में ये प्लस्तर में ग्रूव करा सकते हैं आप 1-1 फिट के बाद इस तरीके से, जो कि काफ़ी ही इकोनॉमिकल रहता है। टेरेस फ्लोर पे आप देखेंगे ममटी रहेगी और बाकी आपका ओपन टेरेस है। तो आइए सबसे पहले चलेंगे हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तो ये एंट्रेंस है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से आप एंटर कर रहे हैं अपने घर के अंदर। सो आप एंट्री करेंगे अपने ड्राइंग रूम के अंदर, ये पूरा आपका ड्राइंग रूम रहेगा, ये आपके वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगी। आगे की तरफ देखेंगे आपके स्टेयरकेस है, ड्यूप्लेक्स हाउस है, घर के अंदर से जो है आपकी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर की तरफ। मल्टीपल फ्लोर्स आप बना सकते हैं चाहे तो, जितने भी आपको अलाउड हैं आपकी जगह के हिसाब से आप 10 बाय 20 फिट के अंदर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पे टॉयलेट मिलेगा, हर फ्लोर पे आपको कंबाइंड टॉयलेट अटैच टॉयलेट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस में आपका ड्राइंग रूम देखेंगे क्या साइज़ का आता है। ये 4.5 4.5 इंची दीवार निकालने के बाद आपके पास 9 फुट 3 इंच बाय 10.5 फिट, यहाँ हम लिखेंगे आपका ड्राइंग रूम 9 फिट 3 इंच बाय 10.5 फिट का ड्राइंग रूम मिल रहा है आपको। ड्राइंग रूम रहेगा आपका 9 फुट 3 इंच बाय 10.5 फिट का। लेआउट की बात करें तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीट टाइप में अपना सोफा सेटिंग करें, सामने की वॉल पे यहाँ टीवी पैनल वगैरह आप लगा सकते हैं। उससे आगे हम चलेंगे आपके स्टेयरकेस है, जगह की कमी के हिसाब से हमने जो है आपको जो स्टेयरकेस की विड्थ दी है 2.5 फिट की दी है। सीढ़ी की आप देखेंगे जो ट्रेड रहेगा आपका 10 इंची का रहेगा। पैड़ी की ऊंचाई देखेंगे 7.5 इंची रहेगी। इस हिसाब से आप अपना स्टेयरकेस को जो है इस तरीके से क्लॉकवाइज में घड़ी की चाल के हिसाब से सीधे वास्तु का ध्यान रखते हुए इस तरीके से आप चलाएंगे। सीढ़ी के नीचे से आप देखेंगे यहाँ पर आपको हमने स्पेस दिया है टॉयलेट में एंट्री के लिए। यहाँ पर अगर आप अपना टॉयलेट का दरवाजा देते तो आपको यहाँ फर्नीचर डालने में दिक्कत होती, तो ये कंप्लीट आपको डेड वॉल मिल जाए इसके लिए, इसकी कोशिश के लिए हमने आपको यहाँ पर जो है टॉयलेट का दरवाजा सीढ़ियों के नीचे से दिया है। 2.5 फिट का आपका दरवाजा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास देखिए जो स्पेस बचता है आप इसको एज इन स्टोरेज वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ आप दीवार लगाकर इस स्पेस को स्टोरेज के तौर पर यूज कर सकते हैं। 5 फिट वाइड स्पेस है ये, 5 फिट बाय लगभग 5 बाय 5 फिट का आपका स्पेस निकलेगा जिसको आप स्टोर के तौर पर यूज कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम टॉयलेट का एरिया, टॉयलेट का कितना एरिया बनता है आपके पास। 3 फुट 10.5 इंच बाई 8 फुट 4 इंच आपका टॉयलेट है, लगभग आपका 4 फुट बाय 8 फुट 10 इंच का आपका टॉयलेट रहेगा। क्रॉस चेक कर लें एक बार हम, 8 फुट 4 इंच है, 8 फुट 4 इंच बाय 3 फुट 10.5 इंच, सो 4 बाय 8 फिट का आप देखें आपके पास टॉयलेट मिलेगा आपको 4 बाय 8 फिट का। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉयलेट की वेंटिलेशन कैसे होगी। सो उसके लिए हमने क्या किया है,
8 फीट पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे स्लैब निकाल दी है। सो 8 फीट के बाद हम यहाँ पर एक शाफ्ट रन कर रहे हैं, 1.5 फीट वाइड ये शाफ्ट रहेगी, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आप अपना एग्जॉस्ट लगाएंगे और ये कंप्लीट इन द बिल्डिंग रन करेगी 1.5 फीट की शाफ्ट, सो दैट जो भी पूरे फ्लोर पे जितने भी टॉयलेट्स हैं वो सारे वेंटिलेट हो सके। साथ ही साथ जो टॉयलेट्स की पाइप्स जो है रन करेंगी वो है इस शाफ्ट के थ्रू ऊपर से नीचे आपकी रन कर सकें, सो दैट अगर कभी आपको उनको रिपेयर वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस शाफ्ट के थ्रू आप उसको ट्रीट करवा सकें, रिपेयर वगैरह करवा सकें, दीवार वगैरह आपको उसके लिए ना सिविल पार्ट ना छेड़ना पड़े, इसीलिए हमने इस शाफ्ट को प्रोवाइड किया है। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर था, आइए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे। स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, इस तरीके से आप अपने स्टेयरकेस को यूज़ करते हुए यहाँ आपके एंट्रेंस है, यहाँ से आप डाउन जाएंगे, ये देखिए यहाँ से आप डाउन चले जाएंगे ग्राउंड फ्लोर के लिए, यहाँ से आप अप चले जाएंगे फॉर द सेकंड फ्लोर। सो ये हमारे फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है, यहाँ पर आप एंट्री करते हैं, ये आपका लिविंग स्पेस रहेगा। सबसे पहले हम इस लिविंग स्पेस की देखेंगे डायमेंशन, 7.5 फीट बाय 9 फुट 3 इंच। लिविंग नौ फुट तीन इंच बाय 7.5। सो ये आपकी लिविंग है दोस्तों, लिविंग स्पेस रहेगा। यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं, एक तरफ में आप यहाँ पे अपना सोफा वगैरह रख सकते हैं सिंगल साइड, एंड सामने की तरफ आप यहाँ पे चाहें तो डाइनिंग वगैरह भी रख सकते हैं। सो एज एन आप लिविंग स्पेस इसको यूज करने वाले हैं। पीछे की तरफ देखेंगे आपको अटैच टॉयलेट मिल रहा है, टॉयलेट का साइज देखेंगे 3 फीट 10 इंच बाय 6.5 फीट। सो लगभग आपके पास 4 बाय 6 फीट का टॉयलेट आ रहा है, 4 फीट बाय 6 फीट का टॉयलेट आ रहा है आपके पास। यहाँ पर आप देखेंगे वही आपकी 1.5 फीट की शाफ्ट चल रही है जो ग्राउंड फ्लोर से चल रही थी आपकी, ये वाली शाफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको देखने को मिल रही है, सो दैट ये टॉयलेट का जो वेंटिलेटर रहेगा वो आप इसके ऊपर यहाँ प्लेस कर सके एंड ये टॉयलेट आपका वेंटिलेट हो सके। फ्रंट साइड में देखेंगे 3 फुट के हमने प्रोजेक्शन ली है, आपको यहाँ 3 फुट की प्रोजेक्शन करते हुए आपका जो एरिया है वो बढ़ा दिया है। सो 10 बाय 23 फीट का आपका फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब डलेगी वो 10 बाय 30 फीट की होगी, सो 10 बाय 23 फीट की होगी। सो जो आपका फर्स्ट फ्लोर का एरिया रहेगा वो 230 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा। यहाँ पर ये किचन हमने प्रोवाइड की है, किचन में एंट्री हमने इस किस्म से रखी है कि दोनों तरफ आपको 2-2 फिट का एरिया मिल जाए, सो दैट आप इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 2-2 फिट की स्लैब लगा सकें। और एंट्रेंस के लिए आप देखेंगे हमने 4 फिट की आपको ओपनिंग दी है, इसके बाद आप यहाँ 2-2 फिट की स्लैब रखें और अपना एज एन इसको किचन एरिया यूज करें। इसके आप लेंथ देखेंगे कि कितनी आ रही है आपके पास, 6 फिट की आपके पास लेंथ आ रही है यहाँ पर। सो यहाँ की किचन आ गई है 9 फिट 3 इंच बाय 6 फिट की, ये हमने आपके किचन प्रोवाइड की है। ओपनिंग के थ्रू आप किचन में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे लिविंग स्पेस, ये आपका टॉयलेट है, यहाँ आपकी किचन रहेगी। यहाँ सिर्फ हमने ओपनिंग छोड़ी है, दरवाजे की बात करें तो यहाँ टॉयलेट में दरवाजा रखेंगे, इस तरफ वो दीवार की तरफ आपका खुलेगा। टॉयलेट की लेआउट बात करें तो यहाँ आप वॉश मशीन लगवाएं, फिर आप यहाँ पे WC लगवा दें एंड सामने की वॉल पे यहाँ टैप्स वगैरह लगवा लें। सो इस तरीके से आप इस टॉयलेट का अपना लेआउट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। सेकेंड फ्लोर की तरफ चलेंगे जहाँ हमने आपको बेडरूम दिया है, अटैच टॉयलेट दिया है, अटैच ड्रेसिंग रहेगा। ये देखिए इस तरीके से आप डाउन जाएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, यानी यहाँ से आप अप चले जाएंगे अपने टेरेस फ्लोर के लिए। सो ये एरिया रहेगा आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा, ये आपका अटैच टॉयलेट रहेगा एंड आगे की तरफ आप देखेंगे हमने बेडरूम दिया है आपको। तो सबसे पहले हम टॉयलेट देखेंगे, टॉयलेट आपका वही सेम मिल रहा है आपको, 4 फिट बाय 6 फिट का आपका ये टॉयलेट रहेगा, सेम आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर मिल रहा है, सेकेंड फ्लोर पे मिल रहा है। यहाँ पर आपका अटैच टॉयलेट रहेगा, ये आपका ड्रेसिंग रहेगा। ड्रेसिंग इसलिए है कि यहाँ पर आप अपनी 2 फिट की अलमारी देंगे, सो दैट आगे का जो एरिया रहेगा वो आप उसको एज एन काउंटर के तौर पे यूज़ करें। यहाँ पर आप अपना ड्रेसर वगैरह रख सकते हैं, यहाँ वॉल पे आप अपना मिरर वगैरह लगवाएं, नीचे स्टूल रखवा दें जिसके अंदर आप अपना सामान रखें। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर अलमीरा देंगे, सपोज करें ये आपकी अलमीरा रहेगी। ये 2 फुट का हमने आपको आपका काउंटर दे दिया है, यहाँ पर आप अपने ड्रॉर्स वगैरह लगवा कर फर्नीचर में इस वॉल पे आप अपना मिरर वगैरह लगवाएं। सो इस एरिया को आप एज एन ड्रेसिंग यूज करेंगे, ये आपका टॉयलेट रहेगा सेम एज ग्राउंड फ्लोर की तरह, फर्स्ट फ्लोर की तरह आपका यहाँ पे टॉयलेट रहेगा 4 बाय 6 फिट का, ये आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा।
तो आइए इसका साइज देखें कि हमारा जो ड्रेसिंग एरिया रहेगा इसका साइज कितना मिल रहा है हमें। 9 फुट 3 इंच आपको हर जगह पर प्लॉट की विड्थ मिल रही है, साथ ही साथ आपको जो लेंथ मिल रही है वो 4 फुट 9 इंच की मिल रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारा ड्रेसिंग एरिया का साइज 9 फुट 3 इंच बाय 4 फुट 9 इंच का। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया का साइज आ गया है। यहाँ आपका टॉयलेट है वही 4 बाय 6 फिट का टॉयलेट, 4 फिट बाय 6 फिट का। इसके अलावा ये आपके साफ रहेगी, 1.5 फिट वाइड है, 4 फिट इसकी विड्थ रहेगी। साथ ही ये एरिया आपको मिलता है, यहाँ सिर्फ आप अपनी बेडिंग करेंगे एंड सामने की वॉल पर टीवी पैनल लगाएंगे। इस एरिया के अंदर आपको अलमीरा वगैरह देने की नीड नहीं है। सो 8 फिट का आसपास ये आपको स्पेस मिलना चाहिए, 8 फुट 5 इंच का ये स्पेस है बेडरूम, 9 फुट 3 इंच बाय 8 फुट 5 इंच। तो ये हमारा बेडरूम रहेगा। इसके अंदर आप देखेंगे 6 बाय 6 फिट का यहाँ पे आप बेड लगाएंगे, दोनों तरफ आप स्टूल लगा सकते हैं अपना 1-1 फिट का। उसके बाद इस वॉल पे आप अपनी टीवी पैनलिंग वगैरह करवाएं। इसके अलावा इस एरिया में और कुछ आपको रखने की जरूरत नहीं है। सो इस एरिया के लिए यहाँ पर 9 फुट 3 इंच बाय 8.5 फुट स्पेस आपको मिलता है, जो कि सफिशियंट रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे आपका टेरेस फ्लोर आ जाता है। इस तरीके से स्टेयरकेस यूज करते हुए आप यहाँ पर आपका हमने दरवाजा प्रोवाइड किया है ममटी का जो रहेगा। यहाँ पर हमने विंडो प्रोवाइड की है ममटी की लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। ये देखिए आपकी शाफ्ट है जो हमने इस तरीके से 2.5 फिट में आप इसकी वॉल उठाएंगे, उसके ऊपर आप यहाँ पे स्लैब रखते हैं, यहाँ पे वेंटिलेटर लगाकर ऊपर यहाँ 1-2 एग्जॉस्ट फैन लगवा लें, सो दैट जो पूरी शाफ्ट है वो जो एयर है वो सक कर सके एरिया इस वेंटिलेटर के थ्रू। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है टेरेस फ्लोर बचता है। लेंथ देखें आपके पास कितनी टेरेस की बचती है अपार्ट फ्रॉम ममटी, लगभग आपके पास 13.5 फिट का स्पेस बचता है। ये रहेगा आपका टेरेस एरिया 9 फुट 3 इंच बाय 13.5 फिट लेट मी क्रॉस चेक डायमेंशन। टेरेस फ्लोर रहेगा 9 फुट 3 इंच बाय 13.5 फिट का ये स्पेस है। यहाँ पर आप देखेंगे योगा वगैरह करने के लिए भी आपके पास ओपन स्पेस है, जिसकी डायमेंशन आप देखेंगे 4 फिट बाय 6 फुट 10 इंच। सो ये स्पेस आपके पास एक अलग बचता है। यहाँ पर आप चाहें तो सेम एज ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आप एक टॉयलेट भी निकाल सकते हैं टेरेस फ्लोर के लिए अगर आपको रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप यहाँ पर स्टोर भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो ये स्पेस हमने यहाँ शाफ्ट का बनाया है यही सेम आपका टॉप फ्लोर पर बन जाएगा। टॉप फ्लोर से हमारा मतलब है कि ये जो स्पेस है ये इस लेवल पर आकर आपका इसी तरीके से आप बना लेंगे अगर यहाँ पर आप अपना स्टोर बनाते हैं तो, नहीं तो इसी तरीके से आप इसको यूज करेंगे। सो गाइस ये हमारा आज का प्लान था 10 बाय 20 फिट के अंदर, जिसके अंदर हमने आपको ड्राइंग रूम दिया है, अटैच 3 टॉयलेट्स रहेंगे आपके पास, किचन डाइनिंग एरिया है, बेडरूम रहेगा, ड्रेसिंग एरिया रहेगा, साथ ही ओपन टेरेस एरिया रहेगा, मल्टी रहेगी। सो उम्मीद करते हैं आपको जो डिज़ाइन है पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्लान कैसा लगा, एलिवेशन कैसा लगा, प्लानिंग कैसी है। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपना कोई डिज़ाइन बनाना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, या हमें व्हाट्सएप डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सो दैट किसी भी आपके दोस्त यार को 10 बाय 20 फिट का कोई नक्शा चाहिए हो इस तरीके का, अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो वो ये वीडियो को देखकर अपना मकान जो है वो बनवा सकें अच्छी प्लानिंग के साथ। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय दोस्तों।